देश में रोजमर्रा की चीजों की कीमत अब बढ़ रही है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, दूध के दाम बढ़े हैं। महंगाई बढ़ने से लोग त्रस्त हो गए हैं, फिर भी सरकारों को कोई चिंता नहीं है। यह बहुत दुख की बात है। इस हालात से निपटने के लिए कार्रवाई जरूरी है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार को प्रयास करना होगा, अपनी पूरी शक्ति और संसाधनों को लगाना होगा ताकि देश को निराशा के माहौल से निकाला जा सके। निराशा के माहौल में विकास पटरी पर नहीं आएगा, ऐसा भी उन्होंने जिक्र किया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मायावती की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से ट्वीट किया गया और यहाँ पर जिक्र किया गया है कि जो कुछ भी फिलहाल स्थिति है वो अति गंभीर है और इस पर केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को मिलकर काम करना होगा, क्योंकि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, इसके अलावा दूध, तमाम चीजों के जो बेसिक नीड्स है हमारी, उनके दाम बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है वो लोगों की बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।